Once again, welcome to the selection classes. So this is a very beautiful question. Clock hands interchange. So question goes like it. Surbhi went to market between 4 and 5 in the clock. And when she came back, it was between 7 and 8 in the clock. She observed that hour and minute hand exchanged position. Find the return and the out time. ठीक है, कितने बजे बाहर गई Surbhi, कितने बजे वापस आई, ये question है. सो बिफोर इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके पीछे के जो लॉजिक हैं, जो कंसेप्ट है वो समझते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन. तो अगर हमारे पास एक क्लॉक है, एनालॉगस जो होती है जिसमें हैंड्स होते हैं, तो एक आर होती है, एक मिनट हैंड होती है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, सेकेंड को हम इग्नोर मारते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड ऑफ मिनट हैंड. तो मिनट हैंड अपना 360 डिग्री 60 मिनट में कंप्लीट करती है. जनरली मिनट को ऐसे लिखते हैं, आर को हम सिंगल डैश लिखते हैं. तो 60 मिनट, इट इज़ 6 डिग्री पर मिनट, राइट. सिमिलरली अगर हम आवर एंड की स्पीड पूछते हैं, दैट इज़ 360, इसको पूरा करने में 12 आवर्स लगते हैं. तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ डिग्री पर मिनट. सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि इनकी स्पीड कितनी होती है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं. तो बोलता आउट टाइम और ये इन टाइम, रिटर्न टाइम या इन टाइम. तो 4:05 पे समथिंग पे गया है, ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं कि 4:00 पे वो गया है, सॉरी गई है, नॉट एक्चुअली गया है. एंड शी वेंट आउट एंड व्हेन शी रिटर्न इट वाज बिटवीन 7 and 8. सो लेट इट बी 7:07, ठीक है. वाई पास्ट 7 हो गया. सो अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आउट टाइम की बात करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 4:00 हो रहे हैं, तो अगर हम 12 के रेफरेंस में एंगल मेज़र करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द 12, बिकॉज ये हमारा रेफरेंस होता है, तो एंगल एंगल मेड बाय मिनट हैंड कितना बनाएगी. तो मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, हम अभी आउट टाइम की बात कर रहे हैं, राइट. तो आप ये बोल रहे हो सर 6 डिग्री पर मिनट में बनाती है, तो इसने एक्स मिनट ट्रैवल किया है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 6x, क्योंकि पर डिग्री में 6, पर मिनट में 6 डिग्री, और आप इसको एक्स मिनट चले हो तो 6x हो जाएगा. सिमिलरली एंगल मेड बाय आर एंड, आवर एंड कितना एंगल बना चुकी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम 12 से कितना एंगल आगे हो चुका है. तो आई कैन से ये 4 के रेस्पेक्ट में आप देखोगे, अगर ये 12 के रेफरेंस पे देखेंगे तो ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा. हाउ इट इज़ 120 डिग्री, बिकॉज इन क्लॉक वी हैव द डिविजन्स 12, 1, 2, 3, सो एवरी गैप इज़ एक्चुअली 30 डिग्री. Every gap is of 30 degree. How it is 30 degree? Because we have divided 360 degree into 12 gaps, like 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 12 gaps. So 360 divided by 12, that is 30 degree per gap. So I can say at 4 p.m., sharp 4 p.m. or a.m., the angle between the minute and the hour end would be 120 degree. So 120 degree plus in x minute, द आवर एंड वुड बी समथिंग लाइक अहेड हो जाएगा उससे आगे. क्यों? क्योंकि एक्स मिनट में चलेगी ना आगे, एक्स मिनट में हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो एक्स मिनट में एक्स बाई 2 चलेगी. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट. सिमिलरली अगर हम इन टाइम पे देखते हैं, जब वो वापस आई है Surbhi, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड. सो अगेन वाई मिनट का मतलब हो गया 6y, एंड एंगल मेड बाय आर एंड विद रेस्पेक्ट टू 12 है ये. तो सेम हैपनिंग हियर, यू आर सेइंग 7:00, तो एवरी गैप इज़ ऑफ 30 डिग्री, सो 7 गैप का मतलब 210 डिग्री, प्लस वाई मिनट में वाई बाई 2 चलेगी, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनट हैंड जो है आर वाले की जगह आ गई
जब वो वापस आई, इसका मतलब 6x इक्वल्स टू 210 प्लस वाई बाई टू। एंड सिमिलरली जो आर एंड है दैट इज़ 120 प्लस एक्स बाई टू, ये मिनट की जगह आ गई 6y, राइट। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दैट विल बी 12x इक्वल्स टू 420 प्लस का वाई, एंड दिस इज़ अगेन 12y इक्वल्स टू 240 प्लस का एक्स, ठीक है। तो वी हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, आई कैन सॉल्व इट। सो कैसे कर सकते हैं सॉल्व, देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, बेसिकली एलिमिनेशन कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 12x है, राइट, यू कैन सी दिस इज 12x। अगर इसमें ऐड करता हूँ मैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान करते, 12x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 और ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो आई कैन सी यहाँ से अगर हम x प्लस वाई को एक तरफ ले जाएंगे, 11x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 660 आ जाएगी, तो x प्लस वाई जो है वो 60 आ जाएगा, राइट। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, मैंने कैसे किसको सॉल्व किया। एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, सो दैट आई हैव सम स्पेस। अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x माइनस 12y शुड बी इक्वल्स टू 180 प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो 12 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई 180, और अगर हम यहाँ से कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वी हैव एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आई कैन सी 13 हो जाएगा इधर आके, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू 180 अपॉन 13 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू इक्वेशन दैट कैन बी सॉल्व ईजीली, और एक्स प्लस वाई जो है वो 60 है, इनको ऐड करेंगे, सो 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 13 प्लस 60, सो दैट इज़ 780 प्लस 180 अपॉन 13, 960 अपॉन 13, तो x वुड बी इक्वल्स टू 480 अपॉन 13, तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, बचेगा आपके पास 9, एंड 13 6 जा 78, 12 बचेगा 39 जा, तो करीब x इज कमिंग आउट टू बी 36.9। इसका मतलब जो जाने का समय है, दैट इज़ वो बाहर गई है 4 बज के अराउंड 37 मिनट, आई कैन से 37 मिनट, राइट। तो 4:37 पे वो आउट टाइम है, और दोनों का समेशन आई कैन से 60 है ना भाई, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 37। सो आई कैन से अगर आपके पास, इफ़ यू हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड यू आर सेइंग x 37 है, देन y मस्ट बी 23, तो यहाँ से y की वैल्यू अराउंड 23 आ जाएगी, हाँ, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। तो जो इन टाइम है दैट इज़ 7:23 पे। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल क्वेश्चन, जहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जाने का, घर से निकलने का, जब इंटरचेंज करती हैं पोजीशन जो क्लॉक की, और वापस आने का कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वॉज द कंसेप्ट एंड होपफुली यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर कंसेप्ट। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द सेलेक्शन क्लासेस एंड हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।